short answer type question from the poem The Tree. What are the consequences of the empty forest? Answer: forest is now empty. Man has cut a large number of trees. Consequently, there is large scale of suffering for animals, birds, insects, and other living organisms. Next question important hai. What does the poet scarcely mention in her letters? Kya mention karna nahi chahti hai? Departure of trees into the forest. विमेन का घर छोड़ करके चार दीवारी पार करके मनुष्य के मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में भाग लेना अपने अधिकार हेतु, अपने ड्रीम्स और अपने एस्पिरेशंस को, इच्छाओं को फुलफिल करना, ये उसका नेचुरल टेंडेंसी है. यस और नो? होना चाहिए, ये नेचुरल वर्क है, ये उसको उसका हक मिलना चाहिए. इसको हम क्या मेंशन करें? पोएट कहती है इसको मेंशन करने की आवश्यकता ही नहीं है. ट्री का जगह होना चाहिए फॉरेस्ट में. इसको हम जगह नहीं देंगे अपने हम पोएम में, अपने आर्टिकल में, अपने एसे में जो मैं लिख रही हूँ. राइट द आंसर. पोएट इज बिजी इन राइटिंग लॉन्ग एसे और पोएम एंड शी क्लियरली डिक्लेयर्स, वो साफ साफ शब्दों में घोषणा करती है कि वो नहीं चाहेगी, दैट शी वुड नॉट लाइक टू मेंशन The forceful willingness of a tree to return back to its natural habitat. So that is departure of the forest from her house, of the forest or trees from her house. Symbolically, poetess doesn't want to mention women's struggle for their natural rights. Which is quite logical as they are part and parcel of the same society. Last question. What are the boughs compared to? Bade bade tehni ko, branch ko, kya chiz se tulna kiya gaya hai? Tulna kiya gaya hai discharged patient jaise hospital se nikalne par khushi jahir karta hai, utabla pan show karta hai, waise hi bade bade branch पोएटिस के वरेंडा के दीवार को शफल करके, मूव करके, तोड़ कर बाहर निकलना चाहता है स्पेस में टू ब्रीद फ्रीली फॉर फ्रीडम. बाउज एक्चुअली आर नॉट हेल्दी एंड नॉर्मल. ब्रांच हेल्दी नहीं है, नॉर्मल नहीं है. क्यों? क्योंकि घर में वो कन्फाइंड है. यस और नो? बाउज मतलब स्त्री. ट्री पूरा स्त्री के प्रतीक है, तो बाउज तो एक अंग है स्त्री का, एक ट्री का अंग है ब्रांच. तो ब्रांच कहो कि ट्री कहो कि विमेन कहो, बात बराबर है. एज दे आर कन्फाइंड बिहाइंड द वॉल्स ऑफ द हाउस, देयरफॉर दे आर कंपेयर्ड टू न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स. बॉस खुश नहीं है चार दीवारी में रह करके, इसलिए इसको कहा गया है हाफ डेज पेशेंट, अनहील्ड पेशेंट्स. मरीज से तुलना किया गया है बॉस का. Who are willing to leave, जो पेशेंट विल करता है, छोड़ना चाहता है, willing to leave the clinic in a half-dazed condition. बॉस का तुलना किया गया पेशेंट से. जैसे पेशेंट रहना नहीं चाहता हॉस्पिटल में लंबे समय तक, वो नेचुरल हैबिटेट घर आना चाहता है, समाज में आना चाहता है, अपने घर के परिवार के बीच रहना चाहता है, वैसे ही नॉर्मल नहीं है, अनहेल्दी है. कौन? बाउज. क्योंकि उसको दीवार के अंदर कैद करके पोएटिस रखी है, इसीलिए तुलना किया गया उसको डिस्चार्ज पेशेंट से. वो भी डिस्चार्ज पेशेंट की तरह उतावलापन दिखा रहा है. कहाँ जाने हेतु? फॉरेस्ट की तरफ जाने की तरफ.